तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से ये स्टेशन में कहाँ से आ गया, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रायपुर। जी हाँ, रायपुर निकल रहे हैं और सिर्फ एक दिन के लिए, रिसेप्शन अटेंड करने फरहान और अलीशा का। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिसेप्शन अटेंड करने जा रहे हैं, व्हाट अबाउट द वेडिंग। सो थोड़ा सा क्लिप्स देखिए वेडिंग का, जो हम लोग गए थे आसनसोल, वहाँ पर हम लोगों ने दो दिन पहले वेडिंग अटेंड किया फॉर वन डे, एंड देन नाउ अगेन वी आर गोइंग टू रायपुर फॉर वन डे टू अटेंड द रिसेप्शन। Thank you.
करता हूँ कि आप लोगों को आसनसोल वाला क्लिप्स अच्छा लगा होगा और फरहान और अलीशा बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हुआ कुछ ऐसा कि मैंने प्लान किया था कि वहाँ पर भी ब्लॉगिंग करूँगा, बट इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ, ड्राइव करके गया और थोड़ा सा थक भी गया था तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, बट रिसेप्शन में आई विल नॉट मिस इट। ओके, सो द टाइम इज़ 11:45 और सब गए हैं सोने के लिए, ट्रेन अभी फ़िलहाल टाइम पे है, मिलते हैं सुबह। And we have reached Raipur. Okay, so this is the inner venue के अंदर का हिस्सा, बाहर मेन हिस्सा बाहर में है जहाँ पर मेन पार्टी होगा। एंड ये जो हमें रूम्स अलॉट हुआ है इस तरफ है, नाइस। ये 104 मम्मी लोग रुके हुए हैं और 105 हम। ये सब देख तैयारियां हो रही है। ये अभी जो आपने देखा ये पूरी शाम की तैयारियां हो रही है, आइटम्स बनना स्टार्ट हो चुका है, इतना सारा वैरायटीज है। आई एम डाइंग टू वेट फॉर द इवनिंग टू हैव लवली एंड डिलीशियस फूड, सो तैयारी है जोर शोर से। तब भी यही था, अभी भी यही है, और उस समय ये नहीं था, अभी बना लिया तो छोड़ दिया। ओके, सो दिस इज द मेन सेटअप ऑफ द इवनिंग, अच्छा सेटअप है जैसे कि आप देख सक रहे हो, और एक बार लाइट्स ऑन होगा और डेकोरेशन स्टार्ट होगा देन इट वुड बी मोर ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। ओके, सो जस्ट फिनिश्ड आवर लंच, लंच वाज वेरी टेस्टी, इतना भूख लगा हुआ था और खाने में मगन हो गया था इसीलिए वीडियो नहीं ले पाया, बट द मेन इवेंट इज इन द इवनिंग, तो शाम का वीडियो सब अच्छे से लूँगा, डोंट वरी। तो फिलहाल थोड़ा आधा एक घंटा का एक रिलैक्सेशन मोड ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं शाम को। ओके, सो अभी हम लोग हैं लॉन में जहाँ पर मेन इवेंट है, और